हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट फर्स्ट पेपर थर्ड। तो लास्ट क्लास में हम हमारा फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे। जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वो हमने सॉल्व कर लिया था आर की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 ए ए एन प्लस बी स्क्वायर ए आर स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3। यहां तक हम इसे सॉल्व कर चुके थे। अब देखो यहां कितना है आर की पावर 4, ये आर स्क्वायर और ये विदाउट आर, क्लियर। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, एक द्विघातीय समीकरण है, एक क्वाड्रेचर इक्वेशन है। ये कैसी है, एक क्वाड्रेचर इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। जब एक कोई भी द्विघात समीकरण हो तो उसका मूल, उसके आंसर निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। लेकिन इस क्वेश्चन में बी और ए लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन जो आंसर है ना उसको हम एक नए रूप से लिखेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो लिखो आगे इसमें, यदि रेखा और रेखा कौन सी इक्वेशन है, समीकरण नंबर 1। यदि रेखा वृत्त को स्पर्श करती है तो, वृत्त को स्पर्श करती है तो मूल, करती है तो मूल। इफ द लाइन टच सर्कल देन द रूट, फॉर्मूला क्या होगा। देखो वैसे फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0, लेकिन हम क्या कर देते हैं, डैश लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि ए हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में है तो हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसको ए डैश और सी डैश और बी डैश से डिनोट किया। अब बी क्या होगा, जो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ये किसकी वैल्यू है, बी डैश की। ए डैश की वैल्यू जो आर 4 से मल्टीप्लाई है, ये है ए डैश की वैल्यू, और जिसमें आर नहीं है वो वैल्यू है सी डैश की, क्लियर। तो इन सभी वैल्यूज को यहाँ पुट करो, बी की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का 4 ए एल प्लस बी स्क्वायर ए माइनस का 4 ए डैश ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी डैश की वैल्यू है 4 ए स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखो यहां से जब वर्ग करेंगे तो माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। लेकिन वर्ग करने से पहले हम क्या करते हैं, इस स्टेप को हम राइट हैंड साइड में मूव कर देते हैं। तो देखो आंसर 4a an प्लस बी स्क्वायर ए 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4a स्क्वायर एन स्क्वायर, क्लियर। तो मैंने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग किया, मतलब इनका क्या किया, स्क्वायर। तो स्क्वायर करो यहां से, तो दोनों पक्षों का कर दिया हमने स्क्वायर। तो देखो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 का 16 ए स्क्वायर ए एल प्लस बी स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां 4 यहां 4, तो कितना हो जाएगा इसका, 256 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और ए की पावर 4 एल की पावर 4। अब जो टर्म्स इन दोनों पार्ट में से कैंसिल हो सकती है उन टर्म्स को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो करो यहां से टर्म्स को कैंसिल,
इक्वल टू 16 a² + b² का स्क्वायर a स्क्वायर l की पावर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको ओपन करेंगे। तो उससे पहले आप लोग नोट कर लो यहां तक इसे, फिर हम करेंगे इसके आगे। देखो आ गया, कर लिए यहां तक नोट। आगे हम लिखेंगे अब इसका देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। तो यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन करो, ए स्क्वायर एल स्क्वायर बी की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी स्क्वायर एल ए। क्या आ गया, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी स्क्वायर ए एल। गलत हो गया, देखो मैं आपको दोबारा से करवाती हूँ यहाँ से। ठीक है, वो एक स्टेप मिस हो गया इसमें से, तो दोबारा से लिखो यहाँ पर कहाँ से सही करना है, जहां से ये लाइन लिखी ना मैं वहां से सही कर लेना। इसको लिखो, यदि रेखा वृत्त को स्पर्श करती है तो, दोबारा से यहीं से करेंगे, सही कर लेना चाहे दोबारा कर लेना काफी है। ठीक है, स्पर्श करती है तो मूव, है तो मूव क्या होगा हमारा, इफ द लाइन टच, दोबारा कर लेना मैं अभी ढूंढ रही हूं, द सर्कल देन द रूट देन द रूट। क्या लिखा था मैंने, बी डैश स्क्वायर इक्वल टू 4a - c-। अब बी डैश ए डैश और सी डैश की वैल्यू पुट करो, तो देखो बी डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा -4a an + b² a² होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 4, a की वैल्यू है a² + b² और c डैश की वैल्यू है 4a² n² तो ये नोट कर लो।
वहां मैंने स्क्वायर करा था ना, स्क्वायर सिर्फ इस पार्ट का है, तो दोबारा से नोट कर लेना, वो गलत पार्ट हो गया आपका, थोड़ा सा उसमें स्टेप गलत हो गया, तो वहां से आप कट कर देना और यहीं से आप इसको क्या करोगे, दोबारा सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, बी डैश स्क्वायर इक्वल टू फोर ए डैश सी डैश, जो देखो हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, इस फॉर्म में यहां जैसे लिख दिया मैंने एक मिनट, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, दो हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एक द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेचर फॉर्म। अब इस क्वेश्चन में क्या किया, जो ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको इस तरह से लिख दिया, एक्स की पावर फोर में क्या लिखा है, आर की पावर फोर, तो इस आर की पावर फोर को मैं इस तरह से डिवाइड कर सकती हूँ आर स्क्वायर का स्क्वायर, बिल्कुल, क्योंकि अब भी कितना आएगा, आर की पावर फोर आएगा, तो कितना है यहाँ पर, आर स्क्वायर है, और आर स्क्वायर है तो और उसका क्या कर दिया, स्क्वायर, तो ये किस फॉर्म में बन गई, एक क्वाड्रेचर फॉर्म में एक द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण के अगर मूल संपाती है, रूट्स है, उनका फॉर्मूला होता है बी डैश स्क्वायर इक्वल टू फोर ए डैश सी डैश, बी की वैल्यू पुट करी, ए डैश की वैल्यू पुट करी, सी डैश की वैल्यू पुट की, अब सॉल्व करो, इसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर तो हो जाएगा 16 ए स्क्वायर ए एल प्लस बी स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, 4 × 4 16 ए स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 16 ए स्क्वायर से 16 ए स्क्वायर हो गया कैंसिल, ए एल बी स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इनटू में एल स्क्वायर। इसके बाद देखो इसका मैंने क्या किया, होल स्क्वायर ओपन करा तो आएगा ए स्क्वायर एन स्क्वायर, बी की पावर 4 ए स्क्वायर, 2ab² = a² + b² + l², ठीक है, उसको कट करके यहां से नोट कर लेना दोबारा। अब देखो आगे इसका मल्टीप्लाई करो दोनों का, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a² l² b की पावर 4 a² 2ab² = a² l² + b² + l², ठीक है, ए स्क्वायर एल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, ए स्क्वायर एल स्क्वायर राइट हैंड साइड में, तो जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो देखो क्या बचेगा इसका, इसके बाद बी की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस 2ab² + a² + b² + l², इट मीन्स यहां तक नोट करो, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे फिर इसको।
डिवाइड कर देंगे। देखो नेक्स्ट स्टेप में बी स्क्वायर से भाग देने पर डिवाइडेड बाय होमवर्क आप लोगों को कर लेना उसे, ठीक है, नोट करो अब इसे, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। देखो अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल नोट करो।
यदि a माइनस ई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन, प्रूव दैट द लाइन L अपॉन R इक्वल टू A कॉस थीटा प्लस B साइन थीटा विल टच द कॉनिक L अपॉन R इक्वल टू वन प्लस E कॉस थीटा If a minus e ka whole square plus b square equal to 1. तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि जो रेखा है, रेखा का इक्वेशन क्या है, l upon r equal to a cos theta plus b sin theta. समकक्ष का इक्वेशन दिया है l upon r equal to 1 plus e cos theta को स्पर्श करेगी, मतलब जो ये रेखा है ना ये समकक्ष को स्पर्श करेगी अगर ये कंडीशन हो. मींस जो लाइन है उसका इक्वेशन, कॉनिक है उसका इक्वेशन, ये जो लाइन है ये इस कॉनिक को टच करेगी अगर ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं. नोट करो इसमें आगे, हम जानते हैं की समकक्ष L अपॉन R इक्वल टू वन प्लस E कॉस थीटा के बिंदु अल्फा पर स्पर्श रेखा का समीकरण means We know that the equation of tangent line on point alpha of conic L upon R equal to 1 plus E cos theta equal to L upon R equal to E cos theta plus E cos theta minus alpha. तो देखो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर एक बिंदु alpha है उस समकक्ष पर, means one point alpha is on conic equation, then the equation of tangent line, मतलब उस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, L upon R equal to E cos theta plus E cos theta minus alpha. नोट करो इसे. नोट करो फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे हम. तो कर लिया नोट, आगे देखो. आओ तो यहाँ हमारे पास एक टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा का समीकरण है. अब इस जो समीकरण है हमारे
करेंगे, कौन सा वाला, cos a माइनस बी का। सॉरी आज मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाने को बोला लेकिन मैं भूल गई, कोई नहीं, हम नोट कर लेंगे फॉर्मूलाज को भी, पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, cos a माइनस बी का फॉर्मूला नोट करेंगे। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिख देती हूँ cos a माइनस बी का, इसका होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, sin a sin b। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखो l अपॉन r इक्वल टू e cos थीटा प्लस e। अब cos थीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला देखो, cos थीटा cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा, e से मल्टीप्लाई कर दो, l अपॉन r इक्वल टू e cos थीटा प्लस e cos theta cos alpha plus e sin theta sin alpha sin alpha। इन दोनों पार्ट में कॉमन क्या है, e cos theta, तो हम इन दोनों टर्म्स में से e cos theta कॉमन लेंगे। तो नेक्स्ट टर्म इज l upon r equal to e cos theta 1 plus cos alpha plus e sin theta sin alpha sin theta sin alpha। सॉरी यहां पर e नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, e cos theta plus cos theta minus alpha। तो जो इस स्पर्श रेखा का समीकरण होगा वो क्या होता है, e cos theta plus cos theta minus alpha। cos a minus b का फॉर्मूला होगा cos a cos b plus sin a sin b, e cos theta as it is। cos theta minus alpha में हमने फॉर्मूला को किया, क्या होता है, cos theta cos alpha plus sin theta sin alpha। इन दोनों टर्म्स में से cos theta क्या है, हमारे पास कॉमन है, cos theta हमने ले लिया कॉमन, cos theta, cos theta हमने ले लिया कॉमन, क्या बचा, e plus cos alpha sin theta sin alpha। तो इसको दे दो समीकरण नंबर 1, ठीक है। आगे लिखो और दिया हुआ है कि given that l upon r equal to a cos theta plus b sin theta, समीकरण नंबर 2। ये हमें गिवन है कि जो लाइन का इक्वेशन है वो क्या है, a cos theta plus b sin theta, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम कॉमन करेंगे, लिखो इसमें समीकरण 2 को, चलो नोट करो पहले फिर लिखेंगे। तो दोनों इक्वेशन में हम देखेंगे तो l अपॉन r के इक्वल फर्स्ट इक्वेशन है एंड सेकंड इक्वेशन भी l अपॉन r के इक्वल है। फर्स्ट इक्वेशन में भी cos थीटा का मल्टीप्लाई है और sin थीटा का सेम, सेकेंड इक्वेशन में भी cos थीटा और sin थीटा से a और b मल्टीप्लाई में है। तो हम दोनों इक्वेशन क्या होनी चाहिए, हमारी समान होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वो भी स्पर्श रेखा का समीकरण है और ये भी एक रेखा का समीकरण है, मीन्स दोनों रेखाएं आइडेंटिकल होनी चाहिए। आइडेंटिकल दोनों लाइंस को करने के लिए हम क्या करेंगे वो हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट टर्म्स में, तो नोट करो पहले इसे।
देखो अब नेक्स्ट स्टेप में लिखो समीकरण एक और दो या फिर लिख सकते हैं समान होनी चाहिए। अतः r cos थीटा r sin थीटा के गुणांकों तथा के गुणांकों तथा अचर राशियों की तुलना करने पर अब आप लोगों ने त्रिभुज पढ़े हैं सबने, तो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम वाला आपने, सर्वसमता वाला आपने पढ़ा है, ठीक है? सर्वसमता सबने पढ़ी है, समरूप मतलब। तो हम यहाँ देखो मैं इसको लिख देती हूँ समरूप, ताकि आप लोगों को समझ रहे राशियों की तुलना करने पर। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वुड बी आइडेंटिकल सो कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ आर कॉस थीटा आर साइन थीटा एंड कॉन्स्टेंट वैल्यूज। तो आपने सर्व समरूप में पढ़ा होगा कि ये हमारे पास दो त्रिभुज है, ट्राइंगल है, इसकी भुजा दो है और यहाँ x दिया हुआ है, और अगर हम इनको कंपेयर करें तो हम किस रूप में लिखते हैं? तो वो अपॉन x रूप में वो लिखते हैं। तो जब हम l अपॉन r को l अपॉन r से करेंगे तो दोनों इक्वल है, तो l अपॉन r इक्वल अपॉन l अपॉन r इक्वल टू वन। फिर cos थीटा का क्या बचे यहाँ पे? e प्लस cos अल्फा अपॉन a और साइन अल्फा अपॉन b। देखो तो जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है उसमें l अपॉन r है, सेकेंड इक्वेशन में l अपॉन r है, l अपॉन r अपॉन l अपॉन r इक्वल टू हो गया वन। cos थीटा का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है? e प्लस cos अल्फा, और cos थीटा का दूसरी रेखा में गुणांक या कोफिशिएंट क्या है? a। फिर हम बात करते हैं साइन थीटा वाले की, तो साइन थीटा का कोफिशिएंट है गुणा साइन अल्फा, साइन थीटा का यहाँ आ गया b। तो हमारे पास कितनी इक्वेशन हो गई यहाँ पर? वन इक्वल टू ई प्लस कॉस एल्फा अपॉन ए साइन एल्फा अपॉन बी। अच्छा अब मैं यहाँ से a और b की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी, ठीक है, इसकी a की और b की। तो a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं ये दो टर्म्स लूंगी, और इसी तरह से b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म्स यूज करेंगे। तो देखो इसलिए सो वन प्लस ई वन इक्वल टू ई प्लस कॉस एल्फा अपॉन ए, और ए को यहां मल्टीप्लाई करो तो ए बराबर आ गया ई प्लस कॉस एल्फा। इसके बाद मैंने दूसरी टर्म्स ली है वन इक्वल टू साइन एल्फा अपॉन बी। यहां से जो मेरे पास b की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास साइन अल्फा। तो मैंने यहां से a और b का मान निकाल लिया, इनको दे दो समीकरण नंबर 3। नोट करो यहां